नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर अनीस अहमद खान का स्वागत समारोह संपन्न हुआ। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य इंजीनियर अनीस अहमद खान को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा समाजवादी अल्पसंख्यक सभा में प्रदेश उपाध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने पर आज समाजवादी पार्टी के पार्षद अब्दुल कयूम खान मुन्ना द्वारा शाहबाद स्थित एक शादी हॉल में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी अल्पसंख्यक सभा इंजीनियर अनीस अहमद खान के स्वागत कार्यक्रम में सपा के प्रदेश महासचिव पूर्व मंत्री बहेड़ी विधायक अताउर रहमान मुख्य अतिथि एवं जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप, महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी, पूर्व महानगर अध्यक्ष कदीर अहमद, सपा प्रदेश सचिव मोहम्मद कलीमुद्दीन खालिद बाबूजी, पार्षद गौरव सक्सेना, पूर्व पार्षद यूसुफ खान आदि उपस्थित रहे। स्वागत समारोह कार्यक्रम में नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर अनीस अहमद खान एवं विधायक अताउर रहमान का फूल मालाएं पहनकर जोरदार स्वागत किया गया। महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ही भाजपा को सत्ता से रोकने में सक्षम है। यही कारण है कि लोग तरह तरह के भ्रम फैलाकर सपा को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। इंजीनियर साहब, समाजवादी पार्टी में आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, अल्पसंख्यक में प्रदेश का उपाध्यक्ष बना के, यानी कि अखिलेश यादव ने आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो 2024 में क्या भूमिका रहेगी आपकी? 2024 में ऐसा है, हम लोग पूरे यूपी में अताउर रहमान साहब के साथ जा रहे हैं। पूरब में भी हमने काफ़ी विधानसभाएँ कवर करी हैं और अब इधर पश्चिम में जाने का प्रोग्राम है, तो पूरा यही प्रोग्राम हमारा चल रहा है पीडीए के ऊपर कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पे, खास करके मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है अल्पसंख्यक की, तो मैं कोशिश करूंगा जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है उसको अवेयर करूंगा कि वो वोटों के लिए अपना सतर्क रहे, कि उसका वोट की चोरी ना हो, समझे, और वो इधर उधर भटके ना। लोग, कुछ लोग ये बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चंद लोगों को चेहरा दिखाते हैं लेकिन वो चंद चेहरे ही हैं और कोई जा नहीं रहा है किसी के कहने से, क्योंकि बीजेपी सबसे ज़्यादा मुखालिफ जो है, सबसे बड़ी दुश्मन वो अल्पसंख्यक समाज की है, तो मुझे अल्पसंख्यक समाज पे भी ज़्यादा फोकस करना है, उसको एकजुट रखना है और उसकी वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ानी है। वोटों के साथ साथ वोट ऑफ परसेंटेज भी बढ़वाने का मुझे कोशिश करनी है। विधायक जी, 2024 की तैयारियां चल रही है, समाजवादी पार्टी किस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करेगी? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमारी रणनीति है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इन सबको मिला के, और सवर्ण जाति के जो प्रताड़ित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको सबको जोड़कर हम इस बार 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। 80 सीटों पर पीडीए चुनाव लड़ेगा? गठबंधन होगा, शेयर सीटिंग की बात चल रही है, और लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी है विपक्ष में, इसलिए 80 सीटों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन के जो भी प्रत्याशी होंगे, हम सब लोग उन सीटों पर उनकी मदद करेंगे। बरेली मावला और पीलीभीत लोकसभा, चूँकि ये तीनों आपके प्रभाव सीटें हैं, हम लोग बरेली मंडल की पाँचों सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और अब की हम पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी की 2024 को लेकर लोकसभा बरेली और शहर के लिए, बरेली और आंवला हम लोगों की तैयारी बहुत ज़ोरों से चल रही है। बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, जोन कमेटी हम लोगों की तैयार हो गई हैं, लखनऊ पहुंच गई हैं, लखनऊ से टीम आ गई है, उसका सत्यापन बूथों पे चल रहा है और हर बूथ पे हमने पीडीए को मजबूत करने का काम किया है, चाहे वो पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों, चाहे एससी के लोग हों, हर समाज के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। अगड़ों में जितने प्रताड़ित लोग हैं उन सब को साथ लेके हम पीडीए को मजबूत करेंगे और पीडीए के माध्यम से हम ये दोनों सीटें जीत के
माननीय अखिलेश जी के झोली में डालने का काम करेंगे।